अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। मेरा नाम है राहिद फैसल और आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन करने वाले हैं उसका टाइटल है द लार्जेस्ट फ्लाईओवर ऑफ बांग्लादेश हनी फ्लाईओवर। तो ये बांग्लादेश का सबसे बड़ा फ्लाईओवर है। इसमें देखते हैं कि ये कैसा है देखने में और कितना लंबा है, क्योंकि बांग्लादेश में रोज़ाना फ्लाईओवर बन रहे हैं, ब्रिजेस बन रहे हैं, पुल बन रहे हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा। तो देखते हैं कि ये कौन सा वाला, ये हमने पहले देखा है, ये ढाका में है या फिर चटागोंग में है, किधर ये वाकया है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इस चैनल का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आशा से आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो स्टार्ट करते हैं। नाइट व्यू, ये म्यूज़िक जो बैकग्राउंड म्यूज़िक ये लगाते हैं, बहुत ही यार बेहतरीन म्यूज़िक बना हुआ है, जिसने भी बनाया है बहुत ही प्यार से बनाया यार, नाइस। सच में बहुत ही लंबा है यार, बहुत लंबा है। आप देख ले किधर तक है, जिस तरह सांप नहीं होता इस तरह बहुत लंबा बा। मेरे ख्याल में ये चटागोंग वाला मुझे वो लग रहा है, मैंने ये चटागोंग में इस तरह का देखा था। आप हमें कमेंट में बताइए चटागोंग वाला है या ढाका में है। ओहो, सच में बहुत ही लंबा है यार, सच बहुत ही लंबा है। एक साइड पे कितना रश है, नीचे आप फ्लाईओवर को देख लिए, एक साइड पे बिल्कुल रोड ब्लॉक है और लेफ्ट साइड वाला जो है वो बिल्कुल चल रहा है, राइट साइड वो उस तरफ वाला नहीं चल रहा, पता नहीं क्या मसला है उधर। नाइस व्यू यार, बहुत ही प्यारी जगह है। जो फ्लाईओवर है यहाँ पर लाइटिंग बहुत ज्यादा, क्योंकि यहाँ पर गाड़ियां है ना, लेकिन जो बिल्डिंग्स है वहां पर अंधेरा अंधेरा है, पता नहीं क्यों वहां पर लाइट इतना वो रोशनी नहीं है वहां पर। आप देख ले बिल्कुल ब्लैक सा है और कुछ कुछ जगह पे लाइट नजर आ रहे हैं। ओ, आप देख ले उधर तक ये गाड़ियां खड़ी है, कितना वो रश है यहाँ पे। ये कर्व जो दिया गया है फ्लाईओवर में, ये जरा नोट करें कितना प्यारा है, बिल्कुल बिल्कुल बेहतरीन। और ये फ्लाईओवर मुझे बताएं कि ये नया है या पुराना फ्लाईओवर है, देखने में तो बहुत नया लग रहा है, अभी अभी इस तरह ये बना हुआ है। टूल प्लाजा भी है फ्लाईओवर में। तो ये देख ले कितना, ये बसेस ऐसे ही खड़े हैं यहाँ पर, मुझे लगा रश। यार ये जगह तो बहुत ही प्यारी जगह है, नाइस यार, आउटस्टैंडिंग। अच्छा लेफ्ट साइड में जो बाजार है वो तो रोशन बाजार है, देख कितना लोग है वहां पर, लाइटिंग भी बहुत ज्यादा है वहां पर। इस पूरी जगह में ये जगह जो है वो मतलब यहाँ के लोग जाके हुए हैं और मेरे ख्याल में सारे सो गए। नाइस व्यू यार, आउटस्टैंडिंग। जी दोस्तों, इस
पूरी वीडियो में इस फ्लाई ओवर को दिखाया गया है यार, बहुत ही लंबा फ्लाई ओवर है। मैंने इतनी बड़ी फ्लाई ओवर नहीं देखा क्योंकि बहुत ही लंबा है। अगर आप देख ले वीडियो स्टार्ट में जिस तरह स्टार्ट हुई है एक जगह से दूसरी का, जिस तरह सांप होता है उसी तरह का बनाया गया है और उसमें बहुत ज़्यादा कर्व दिए गए हैं, रोड बनाए गए एक दूसरे के ऊपर, यार बहुत ही आउटस्टैंडिंग बनाया गया है। क्योंकि यह जगह, इसकी एक बात आप नोट करें कि यहाँ पर रोड बनने की जगह और नहीं है, तो उन्होंने ये सोचा है कि इसके ऊपर हम फ्लाई ओवर बना दें, क्योंकि हर तरफ बिल्डिंग है और दरमियान में रोड है। क्योंकि जब इस तरह का होता है जगह तो उसके लिए लोग सोचते कि क्या करना चाहिए, तो इन्होंने सोचा कि ये तो और रोड हम बना नहीं सकते क्योंकि अगर रोड बनाएंगे तो सारे बिल्डिंग्स को हम गिराएंगे, तो उन्होंने सोचा कि हम फ्लाई ओवर बनाते हैं। और फ्लाई ओवर भी कमाल का फ्लाई ओवर बनाया है, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही प्यारा है, नाइट व्यू में तो बहुत ही अच्छा लगता है। और इस फ्लाई ओवर में सबसे यूनिक बात यह है कि यहाँ पर टूल प्लाज़ा भी है, क्यों मेरे ख्याल में जो सिटी में होते हैं उसमें टूल प्लाज़ा नहीं होते फ्लाई ओवर जो होते हैं। यार मुझे देख के बहुत ही अच्छा लगा, नाइट व्यू बहुत ही प्यारा है, और जो एक बाज़ार था वहाँ पर बहुत ज़्यादा रश था, और इस फ्लाई ओवर में लेफ्ट साइड पर रश बहुत ज़्यादा था, उसकी वजह हमें नहीं पता, आप लोगों को पता होगी, हमें कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इस चैनल का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो वहाँ से आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।